इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के लिंक्स ग्रुप के बारे में जानेंगे। लिंक्स ग्रुप में क्या क्या होता है। लिंक्स ग्रुप में लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिंक ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो लिंक ग्रुप क्या होता है। ये लिंक का यूज़ करने से हम अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग लिंक बना सकते हैं। लिंक दो तरह के होते हैं, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब ये है कि अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट को लिंक करके वहाँ तक जा सकते हैं। एक्सटर्नल लिंक का मतलब ये होता है कि हम इंटरनेट के किसी भी पार्ट को लिंक कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो ये सबसे पहले हम लिंक पे जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद हमारे पास इंसर्ट हाइपरलिंक की ये विंडो ओपन हो जाएगी। इंसर्ट हाइपरलिंक की विंडो ओपन होने के बाद हमारे पास लिंक टू में चार ऑप्शन दिए गए होंगे। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, सेकंड है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, थर्ड है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, फोर्थ है ईमेल एड्रेस। तो इनको अब हम एक एक करके समझेंगे कि इनके क्या बोला जाता है इनको। तो सबसे पहले हम ये इसको बंद करते हैं। ये पहले जैसे हमने ये लिंक बनाना है, लिंक हम किसी वर्ड का भी बना सकते हैं, ये हाइपरलिंक किसी लाइन का भी बना सकते हैं या पैराग्राफ का बना सकते हैं। हमने लिंक जो है एक वर्ड का बनाना है। सपोज हमने वीडियो का लिंक हाइपरलिंक बनाना है तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये हम लिंक पे गए। लिंक पे जाने के बाद हम फर्स्ट ऑप्शन एग्जिस्टिंग फाइल यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब ये जो लिंक हमने सेलेक्ट किया हुआ है हाइपरलिंक, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, कोई फाइल अपनी अटैच करना चाहते हैं। सपोज करो हमने यहाँ से कोई भी करंट फोल्डर, एग्जिस्टिंग फाइल में करंट फोल्डर पे जाना है। यहाँ पे कोई भी ये हमारे पास फोल्डर और फाइलें दी गई है, किसी भी फाइल को अगर हम अटैच करना चाहते हैं इसके साथ तो उसको सिलेक्ट करना है। सपोज करो मैंने ये वाली फाइल सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया तो ये जो फाइल है हमारे, ये जो हाइपरलिंक है इसके साथ अटैच हो जाएगी। ये देखो ये फाइल हमने सेलेक्ट की, इसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद हमारे पास ये हाइपरलिंक बन गया। हाइपरलिंक बनने के बाद अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हमने क्या कैसे इसको देखना है, पहले हमने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करना है, इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखो क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद ये देखो जो फाइल हमने अटैच की थी वो फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। तो इस प्रकार हम अपने हाइपरलिंक में किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। ये तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हुआ ये। इसके बाद है इसको, अगर ये हाइपरलिंक बना हुआ है अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ये हाइपरलिंक रिमूव करने के लिए हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गए रिमूव हाइपरलिंक, यहाँ पे क्लिक किया। ये देखो रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं हमारा ये हाइपरलिंक जो है रिमूव हो जाएगा। अब हम फिर लिंक के ऊपर जाते हैं। लिंक के ऊपर जाने के बाद हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये इसके ऊपर क्लिक करते ही हमारे पास ये तीन ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हेडिंग, बुकमार्क। तो हम हाइपरलिंक को किसी डॉक्यूमेंट को किसी भी वर्ड, लाइन या पैराग्राफ को पॉइंट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमारा टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आ गया है। इसमें क्लिक करके टॉप में चला गया, हमारा कर्सर जो है टॉप में चला जाएगा इसमें क्लिक करके। और अगला दूसरा ऑप्शन है हेडिंग का, ये हमारे पास हेडिंग है दूसरा ऑप्शन। जो भी हम हेडिंग अपने
आपने दिया है उस हेडिंग तक हम हाइपरलिंक के जरिए जा सकते हैं। तो ये हमारा हेडिंग है। तीसरा ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क में का मतलब ये होता है कि हम जो भी हमने बुकमार्क बना के रखे हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और किसी के ऊपर क्लिक करके हम उस पर जा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बुकमार्क सपोज करो कुछ बना के रखा हुआ है तो ये बुकमार्क की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और आने के बाद जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर हम चले जाएंगे। तो इसके इसको करने के लिए हम सबसे पहले हेडिंग हेडिंग के ऊपर जाएंगे, हेडिंग ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। इसके ऑप्शन पे जाने के बाद ये देखो हेडिंग यहाँ पे अभी हेडिंग के ऊपर यहाँ पे लिस्ट नहीं है तो इसको बंद करते हैं। ये सपोज करो यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं। ये सपोज करो यहाँ पे हमने एंटर मारा, यहाँ पे लिखा हमने कंप्यूटर कंप्यूटर लिखा और एक हेडिंग यहाँ पे बनाया हमने आईटी आईटी हेडिंग एक ये बनाया। सपोज करो दो हेडिंग हमने बनाए तो दोनों को ये सिलेक्ट किया, पहले ये सिलेक्ट किया उसके बाद ये सिलेक्ट किया, दो सिलेक्ट किया करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम होम पे गए। होम पे जाने के बाद हमने क्या करना है, ये हेडिंग लेना है। सपोज करो सेकंड यहाँ पे हेडिंग हमने लिया, ये सेकंड हेडिंग लिया इसको, इसके बाद हमने इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद यहाँ से सपोज करो हमने साइज इसको बढ़ा दिया ताकि अच्छा लगे। इसके बाद अंडरलाइन भी कर दिया ये, इसके बाद इसको कलर भी कर दिया ये, इस कलर में ले आई। तो ये हमारा जो है हेडिंग बन गया। अब ये जो हेडिंग है अब क्या करना है, हमने इनका हाइपरलिंक बनाना है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया वीडियो, वीडियो पे हमने हेडिंग लिया, ऐसे कंप्यूटर सेट किया हुआ है यहाँ पे सेट करना ये। तो वीडियो इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद हम इंसर्ट टैब पे गए, लिंक पे गए, इसके बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट यहाँ पे गए, अब कंप्यूटर पे गए। कंप्यूटर पे जाने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके पे क्लिक किया। ये देखो ओके यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो ये जो वीडियो है, वीडियो को जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा कर्सर यहाँ पे है। जब हम इस हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो, ये जो वीडियो यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया तो सीधा हम कहाँ पे चले जाएंगे, कंप्यूटर यहाँ पे चले जाएंगे, हेडिंग पे चले जाएंगे। ये देखो सपोज करो हमने यहाँ पे इसको ओपन करना है तो इसके लिए कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और क्लिक किया, ये देखो क्लिक किया, ये एकदम हम कहाँ पे चले गए, कंप्यूटर पे चले गए। इस प्रकार एक सपोज करो दूसरा लिया हुआ है, यहाँ से हम यहाँ से ये दूसरा सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अभी तो हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है, हमारा कर्सर यहाँ पे है। अगर हम आईटी पे जाना चाहते हो तो इसके लिए हमने लिंक पे गए, लिंक पे जाने के बाद आईटी को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। ये देखो ये सेकेंड हाइपरलिंक बन गया। ये यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि इस लिंक पे हमने क्या सेट किया हुआ है, कौन सा हेडिंग सेट किया हुआ है, आईटी, तो इसको अब क्या करना है, हमने कीबोर्ड से प्रेस किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया और क्लिक किया, ये देखो और सीधा हम आईटी पे पहुंच गए। तो इस प्रकार हम हेडिंग पे पहुंच सकते हैं इस मेथड के जरिए। तो इसके बाद है हमारा अगला, ये हो गया। इसके बाद हमने अगला जो है हमारे पास ये लिंक है, लिंक के बाद अगला हमारा काम जो है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि नया डॉक्यूमेंट बनाना। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे, ये देखो सपोज करो पहले क्या करना है, हम किसी को सिलेक्ट करते हैं। ये सपोज करो हमने यहाँ पे ये चूज यहाँ पे इसको क्लिक किया, लिंक पे गए, लिंक पे जाने के बाद ये चूज आ गए यहाँ पे, ये क्रिएट चूज यहाँ पे नेम ऑफ डॉक्यूमेंट कोई भी नाम यहाँ पे रख दिया। सपोज करो हमने यहाँ पे नाम लिखा एएस, नाम दे दिया डॉक्यूमेंट का और ओके पे क्लिक किया। ये देखो ओके पे क्लिक किया तो एएस नाम, ये देखो एएस नाम का यहाँ पे डॉक्यूमेंट बन के आ गया। तो
इस प्रकार हम कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये देखो चूज, यहाँ पे फिर ये क्लिक किया, ये देखो, और ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं हम। तो ये हो गया। इसके बाद है, इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास लिंक पे गए। अगला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस, ये ऑप्शन हम ईमेल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट पे मेल लिख लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा मेल, मेल लिखा, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद लिंक पे गए। लिंक पे जाने के बाद नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमारा कौन सा खुला हुआ है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। हमने क्या ओपन करना है, ये ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम जाएंगे, टेक्स्ट टू डिस्प्ले मेल है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे हमने लिखा राजेश 123@mail.com, ये लिखा हमने। ये लिखने के बाद, ये हमारी मेल है, ये लिखने के बाद हमने क्या किया, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा। सपोज करो हमने कुछ भी यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा और ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद ये जो है हमारा हाइपरलिंक आ जाएगा मेल पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये देखो कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस किया, क्लिक किया, ये दोबारा इसको क्लिक किया, ये हमने, ये मेल का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हम किसी भी अकाउंट को क्लिक करके वहाँ से मेल भेज सकते हैं। ये हमारे पास ये अकाउंट आ गए, किसी भी अकाउंट को सिलेक्ट करके हम मेल यहाँ से भेज सकते हैं ये। तो इस प्रकार हम इस ऑप्शन से मेल को भी भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, ये बंद कर दिया हमने। ये करने के बाद ये जो हाइपरलिंक बने हुए हैं इसको हमने क्या करना है, ये हटाने हैं यहाँ से हाइपरलिंक। तो क्या किया, इसके ऊपर क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ से हट जाएगा। एक यहाँ पे है, इसको भी रिमूव किया, ये हट जाएगा, जहाँ जहाँ पे हाइपरलिंक लगे हुए हैं इसको। अगला है हमारे पास लिंक ग्रुप में बुकमार्क। बुकमार्क का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई बुक पढ़ते हैं या पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं या बोर हो जाते हैं, तो हम अपने पेन या पेंसिल से मार्क कर देते हैं कि ये बुक हमने कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ ली है। तो ये सुविधा हम बुकमार्क के जरिए अपने डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं ये। तो इसके लिए सपोज करो हमारे पास ये पैराग्राफ है, सपोज करो हम यहाँ पे थीम तक, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, और वेन्यू अप्लाई, यहाँ से अब आगे हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बुकमार्क सेट करेंगे। ये बुकमार्क यहाँ पे बुकमार्क नेम, यहाँ पे मैंने बुकमार्क नेम कुछ भी दे दिया, ASD, ये बुकमार्क नेम दिया और इसको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, ये हमने यहाँ पे रख दिया बुकमार्क नेम ऐड करके। अब मैं कर्सर को कहीं भी पैराग्राफ में रख देता हूँ, सपोज करो ये यहाँ पे रख दिया मैंने, कर्सर रख दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने पढ़ना कहाँ तक, कहाँ से मैंने स्टार्ट करना है पढ़ना, तो मैंने वहाँ पे मेरा कर्सर चला जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बुकमार्क पे जाना पड़ेगा। बुकमार्क पे जाने के बाद ASD, ये नाम दिया था ASD, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गो टू पे क्लिक करना है और इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने पे ये देखो यहाँ पे मेरा कर्सर था, ये कर्सर अपने आप ही यहाँ पे आ गया, जहाँ से मैंने पढ़ना छोड़ा था। वेन्यू अप्लाई, यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बुकमार्क का यूज़ किया जाता है। बुकमार्क के बाद अगला है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे मैंने लास्ट में कर्सर रखा, यहाँ पे मैंने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है। सपोज करो दो या तीन पिक्चरें यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ये,
एक पिक्चर हम कहाँ पे रखी हुई है, ये पिक्चर यहाँ से उठाते हैं, सपोज करो एक पिक्चर ये इंसर्ट की, ये पिक्चर आ जाएगी। इसके बाद दूसरी पिक्चर दूसरे पेज पे इंसर्ट करते हैं, ये इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे गए, अब दूसरी पिक्चर इंसर्ट करनी है, ये दूसरी को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, ये दूसरी पिक्चर आ जाएगी। इसके बाद तीसरी पिक्चर और इंसर्ट करनी है, यहाँ पे कर्सर रखा और तीसरी पिक्चर इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे गए, अब तीसरी पिक्चर को इंसर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, अब ये तीसरी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। ये तीन पिक्चरें हमने इंसर्ट कर दी। अब पहली पिक्चर पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर और ये नीचे आ जाएंगे इंसर्ट कैप्शन, यहाँ पे आ जाएंगे इंसर्ट कैप्शन पे, यहाँ पे लेवल फिगर लिखा हुआ है ये, यहाँ पे कैप्शन पे हम भरेंगे P1, P1 ये पिक्चर का नाम दे दिया पहली को P1 और ओके कर दिया। ये देखो यहाँ पे P1 है, ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम दूसरी पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे P2, ये P2 और ओके पे क्लिक कर देंगे, ये P2, ये देखो यहाँ पे P2 आ गया ये। अब इसी प्रकार तीसरी पे जाएंगे और इसमें भी हम राइट क्लिक करेंगे, ये देखो राइट क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन पे गए, यहाँ पे लिखेंगे P3, ये P3 ये लिखा हमने और ओके कर दिया, ये देखो P3 आ गया ये। तो इस प्रकार हमने तीनों को नेम दे दिया P1, P2, P3। इसके बाद हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे जाने के बाद ये देखो हमारे पास ये तीन पिक्चर हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा क्लिक, क्लिक लिखा, क्लिक लिखने के बाद हमने इसको कैपिटल में बड़ा कर लेते हैं, ये हमने यहाँ से इसको बड़ा कर लिया, ये जैसे हम ये कलर में कर देते हैं ये, और इसको बड़ा कर लेते हैं ये, इसका साइज ये हम 24 साइज बोल्ड में कर लेते हैं ये, और इसको कलर में कर लेते हैं ये कलर हमने सेट कर दिया ये हो गया। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, ये क्रॉस रेफरेंस की विंडो हमारे पास खुल जाएगी ये। इसके पास साथ ही हम यहाँ पे जाएंगे एरो पे, यहाँ पे नीचे आएंगे हम फिगर पे जाएंगे, ये यहाँ पे क्लिक किया, आप देखो P1 इनको P1 P2 P3 इनको तीनों को हम अपने जो जहाँ पे हमने क्लिक लिखा हुआ है वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो P1 इसको इंसर्ट किया, इसी प्रकार ये दूसरे को सेलेक्ट किया हमने P2 इंसर्ट किया, तीसरे को P3 इंसर्ट किया, तो ये देखो हमारे पास इसके बाद ये क्लोज कर देंगे ये P1 यहाँ के। इसके बाद ये स्पेस दे देते हैं, ये यहाँ पे रखा स्पेस दिया, इसके बाद यहाँ पे रखा इसको स्पेस दिया, ये हमने लिख लिया। तो लिखने के बाद हम इसको सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और होम पे जाएंगे, ये होम पे जाने के बाद इसको साइज बढ़ाएंगे, ये देखो साइज हमने बढ़ाया, इसको भी हम कलर में कर देते हैं ये, इस कलर में कर देते हैं ये, और इसका साइज बढ़ा देते हैं ये यहाँ से हम तीनों को ये सभी को नीचे ले आते हैं ये यहाँ पे। तो ये हमारा लिंक बन गया, ये हाइपर लिंक बन गया। अब हम चाहते हैं कि P3 पिक्चर पे हमने जाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा, ये देखो हाइपर लिंक बन गया, और इसके ऊपर P3 पे फिर हमने क्या करना है, क्लिक करना है, ये देखो ये बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये देखो ये लिंक के बाद हमने क्लिक करना है, तो क्लिक करते हैं हमारे पास ये देखो हम कहाँ पे आ गए, ये हमारा कर्सर ये ब्लिंक कर रहा है, कहाँ पे आ गया ये P3, तो ये हमारा पिक्चर 3 पे आ गया है ये। इसी के साथ अगर हमने ये कर्सर अपना दूसरे पे लाना है तो ये दूसरे पिक्चर पे लाना है, तो हमने इसी के ऊपर भी ये हाइपरलिंक बना हुआ है, कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करना है, ये हाइपरलिंक बन गया, फिर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखो अब कहाँ पे आ गए हम, P2 पिक्चर के ऊपर आ गए। तो इस प्रकार जिस जो भी पिक्चर हमें ओपन करनी है, चाहे वो किसी भी पेज में है, हमारा कर्सर उस पिक्चर के ऊपर चला जाएगा। तो ये है हमारा क्रॉस रेफरेंस।
तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में लिंक ग्रुप में लिंक के बारे में, बुकमार्क के बारे में और क्रॉस रेफरेंस के बारे में जाना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।